Kenyans live there a lot because it's their country, but even Indians live. Hey guys, welcome to my new vlog. So guys, आज हम खेलने वाले Q&A. तो जब आप देख रहे हैं साथ में, ये केन्या से आई है. आज मैं इससे कुछ questions पूछने वाला हूँ केन्या के बारे में, और कुछ इंडिया के बारे में पूछूंगा कि ये पहले 2-3 साल पहले भी इंडिया ही है. मतलब इसका ये है, इसको 15 साल हो गए केन्या में. अब इससे पूछा जाएगा कि इसको इंडिया के बारे में कुछ पता है या नहीं, क्योंकि हर ये 2 से 3 साल बाद आती है. तो हम स्टार्ट करते हैं. पूछे तुम्हारे से क्वेश्चन. तो सबसे पहले आपका नाम बताइए, आपका नाम क्या है? My name is Gurshimar Kaur. अच्छा, तो आप रहते कहाँ? Nairobi, Kenya. अच्छा, Nairobi, Kenya में. और वहाँ के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? William Ruto. कौन सा? हुटर? William Ruto. अच्छा, हुटर और William Ruto. वैसे मेरे को नाम इसका समझ नहीं आया. William Ruto नाम है उसका, ठीक है? William Ruto. तो जैसे हम इंडिया में किसी गेस्ट से मिलते हैं, फ्रेंड से मिलते हैं, तो हम जैसे नमस्ते या हाय हेलो बोलते हैं, तो तुम कैसे बोलते हो वहाँ पे केन्या में? जाम्बो बोल सकते हैं. और इंग्लिश में हाय. और वहाँ की लैंग्वेज कैसी है, किस टाइप की? जैसे किस्वाहिली बोलते हैं. किस्वाहिली? किस्वाहिली बोलते हैं. अच्छा, केन्या में? हाँ, केन्या में. तो तुम वहीं पर ही बॉर्न हुई थी या इंडिया में बॉर्न हुई थी? इंडिया में बॉर्न हुई थी. और कितने साल पहले चले गई थी तुम? कितने इयर्स की थी तुम उस टाइम? 1-2 साल की होगी. और आज तुम कितने, 15 साल की हो गई? 14 की. मतलब तुम्हें 12 से 13 साल वहीं पर ही हो गए. हाँ. तो वहीं की लैंग्वेज आती तुम्हें? तो जब तुम इंडिया आते हो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती जब किसी से हम बात करते हो? नहीं, बिकॉज़ हम घर पर हिंदी बोलते हैं वहाँ पे केन्या में. और फिर यहाँ पे आके फिर कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं होती? प्रॉब्लम नहीं होती. अच्छा, तो अब जैसे यहाँ का जो तुम फ्रूट्स वगैरह खाते हो, जो यहाँ पे सब्जियाँ खाते हो, कुछ चेंजेस वगैरह लगता है या मतलब टेस्ट वैसा ही रहता है जैसे केन्या में? यहाँ पे कुछ चेंजेस है? सेम रहता है, बट कैरेट्स वहाँ के ऑरेंज है और यहाँ के रेड है. ओके, कैरेट्स जैसे यहाँ के रेड है, वहाँ के ऑरेंज है, तो टेस्ट में कुछ फर्क है? नहीं, कुछ भी फर्क नहीं. तो अब तुम कितने साल बाद आयो? 3 साल बाद, 4 साल बाद? 3 साल बाद. कुछ फर्क दिखा इंडिया में? नहीं, सेम है. अब तुम आज इस टाइम उत्तराखंड आई हुई हो, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ फर्क दिखा 3 साल बाद पहले आई थी तुम? पहले यहाँ पे फ्लाईओवर देखे कितने सारे बन गए? हाँ, वो बन गए. और पहले क्या थे, खड्डे या सड़कों में खड्डे थे या खड्डों में सड़के थे? कंफ्यूज कर रहा हूँ मैं. तो जैसे हमारे इंडिया में सब लैंग्वेजेस सिखाई जाती है, ठीक है, हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, उर्दू वगैरह सारी लैंग्वेज होती है यहाँ पे, स्पेनिश वगैरह होगी जितनी भी है. तो वहाँ केन्या में भी हिंदी वगैरह सिखाई जाती है? यस, सिखाते हैं. फिलहाल हिंदी, गुजराती, स्पेनिश, फ्रेंच, समटाइम्स जर्मनी. तो तुम कौन सी लैंग्वेज बोलने में कम्फर्ट रहती हो, हिंदी बोलने में या आपकी केन्या की लैंग्वेज है वो बोलने में? English is the one which gives me comfort. It's easy to speak because we speak English in school most of the time, and everyone knows English also. Everywhere, so like it's easy. तो जब इंडिया आते हो प्रॉब्लम नहीं होती ना कोई भी ऐसे? जैसे किसी दुकान पर जाते हो, भैया आलू दे दो 1 किलो 5 किलो, ऐसे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होती? No. We speak Hindi at home most of the time. अच्छा. मोस्ट ऑफ टाइम तुम हिंदी बोलते हो अपने घर में? At home. और जब इंग्लिश बोलते हैं पापा थप्पड़ वप्पड़ तो नहीं मारते? No. कुछ कहते तो नहीं? नहीं. मैंने देखा ना, जैसे मेरे भी कुछ रिलेटिव्स बाहर रहते हैं, अगर वो अपने घर में इंग्लिश बोलते हैं ना, तो उनके माँ पता क्या कहते हैं? और तुम इंग्लिश बोल के घर के अंदर, जब घर में हो अपनी देसी लैंग्वेज क्यों नहीं बात करते? My father tells me to speak more of the English so I can teach them at the same time. Okay. तो अब तुम्हारे से थोड़ा सवाल पूछूंगा मैं इंडिया के बारे में, क्योंकि जैसे तुम इंडिया आई हो ना, जैसे जब से बॉर्न हुए, जब से तुम केन्या गई हो, इंडिया कितनी बार आए हो तुम? 2-3 बार तो आए गए होंगे जो 14 इयर्स में, 2-3 बार है ज़्यादा. तो इंडिया के बारे में पूछता हूँ कि तुम्हें क्या पता है, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन है प्रेजेंट में? नरेंद्र मोदी. अच्छा, पता है तुम्हें इसका? I know. तो अब ये बताओ, जब तुम इंडिया आते हो तो आपको कैसा लगता है? क्योंकि जब फॉरनर यहाँ पे आते हैं ना, तो उनको ऐसा बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ का एक तो कल्चर उनको बहुत ज़्यादा पसंद आता है, ठीक है, और यहाँ के जो डेस्टिनेशन प्लेसेस हैं यहाँ पे, जैसे यूपी में ताजमहल है, अपने ऋषिकेश चले जाते हैं, ठीक है, हरिद्वार चले जाते हैं, तो उनको बहुत अच्छा लगता है, मन बहुत अच्छा. और तुम्हारा कैसा मन लगता है जब तुम इंडिया आते हो, तुम्हें कैसा लगता है? आई लाइक इंडिया बिकॉज ऑल ऑफ माय रिलेटिव्स आर हियर, एंड देन आई विल हैव अ लॉट ऑफ फन विद ऑल माय रिलेटिव्स, एंड देन आई कम हियर मोस्ट ऑफ द टाइम फॉर वेडिंग्स एंड सम थिंग्स. अच्छा, तो अब जैसे तुम आई हुई हो यहाँ पे, तो तुम्हारा जाने का मन करता है इंडिया से दोबारा केन्या जाने का मन करता है? तो जैसे तुमने बताया कि मोस्ट ऑफ दी मैं वेडिंग्स या फिर कुछ इवेंट्स वगैरह में आती हूँ मैं यहाँ पे इंडिया में, तो यहाँ का इवेंट्स वहाँ के इवेंट्स में क्या डिफरेंस है? मतलब यहाँ का जैसे जो हम शादी और उसमें जाते हैं, इवेंट्स में जाते हैं ना, और जो तुम्हारे वहाँ पे होते हैं केन्या में, तो कुछ डिफरेंस है दोनों में? डिफरेंस है.
जैसे यहाँ पे नाच गाना कितना होता है पता है ना, और वहाँ पे कुछ होता है I live in the Gurdwara, yeah. Okay. So like, they don't do a lot of it. There are a lot of people which come, but they don't dance there. Okay. They have a different section of dancing, not in the Gurdwara. It at home because they just go for the wedding. तो वहाँ पे वहाँ बस wedding करते हैं. Okay. They only do the weddings there, and then they go home. The difference is that here in India, I have my relatives. It's more fun. वहाँ तो अब वहाँ पे अपने इंडियन कम्युनिटी के बंदे ज्यादा रहते हैं, तुम्हारे केन्या के नाइजीरियन हो गए, काले हो गए, वही रहते हैं। Kenyans live there a lot because it's their country, but even Indians live there. A lot of Indians, a lot. 50%. Not 50%, but a lot because okay. I've seen many, and half of the buildings and stores are also owned. तो जब किसी काले को तुम यहाँ इंडिया में देखते हो तो तुम लगता है कि मेरा भाई बंधु जा रहा है, ऐसा लगता है? No. I don't have a brother there. Maybe friends. Okay, friends लगता है, क्योंकि ऐसे काले पीले तुम्हारी क्लासेस में भी होते होंगे। Yeah, but which school I go to? Aryavedic Academy. The whole school is Indians. All of it. अच्छा, काले कम पढ़ते हैं वहाँ पे? Because it's not a Kenyan school, like not a lot of Kenyans go in Indian schools. They don't like it. They're like only some Kenyans go in it. They are different. They go, most of the Indians go to the public ones. I'll go to a private one. Okay. तो हम जैसे यहाँ पे इंडियन जब स्कूल जाते हैं ना, तो स्कूल जाने के बाद जब सुबह सुबह प्रेयर होती है हमारे स्कूल में, ठीक है, प्रेयर के बाद वहाँ पे हमारे स्कूलों में नेशनल एंथम होता है। तो केन्या में नेशनल एंथम होता है? Every country has a national anthem. तो वहाँ की कुछ लाइनें बताओगे तुम? Yes. English में बताऊँ? हाँ, English में बताओ। जो वहाँ का जो language है ना, वहाँ की उसी language में बताओ कैसे national anthem कैसे होता है। ए मुंगु गुगु ये टू इले टे बरा का क्वे टू हकीन ना ओ ना मीजी ना टुकाई ना उगुरु अमानी ना उगुरु This national anthem can also be sung in English. There are like two versions of it. In English? Oh God of all creations, bless this our land and nations. Justice be our shield and be defenders. May we dwell in unity, peace and liberty. Let it be family within our borders. तो जो तुमने भी नेशनल एंथम में भी सुनाया ना, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मुझे देखो समझ तो नहीं आया, वो इंग्लिश में तो समझ आ गया मुझे। तुम्हारी जो लैंग्वेज है ना वहाँ की, क्या है, क्या बोलते हैं? स्वाहिली वहाँ पे कीने में जो लैंग्वेज बोली जाती है, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। तो वहाँ के वेदर के बारे में बताओ, जैसे यहाँ पे रेनी हो गया, सनी सीजन हो गया, ठीक है, समर हो गया, विंटर हो गया, वहाँ पे कैसा वेदर रहता है? मतलब पूरे साल कैसा वेदर रहता है? Like it's sunny at lunch time, it's cold in the morning, and then at like mid. तो अब जैसे यहाँ पे sunset इस time यहाँ पे summer season है, यहाँ पे March से शुरू हो जाता है summer season. तो अब तुम्हारे वहाँ का weather कैसा है? अभी तो आए हो तुम वहाँ से, तो weather rainy. कैसा था? Rainy है. Rainy, और ये कब तक? Cold, swere swere hot. तो गर्मी होती है जैसे इंडिया में होती है गर्मी, ऐसा वेदर रहता है? It's not that much. It's like in the middle. They don't have a lot of weathers all because you know the country is in the equator. It's in the equator, yeah. So like it's there are no like no weathers. तो अब जैसे तुम इंडिया आए हो, ठीक है, तो यहाँ के वेदर से कोई प्रॉब्लम होती है? जैसे यहाँ पे गर्मी कितनी है, ऐसा तो नहीं लगता कि हम एसी में रहे हर टाइम, क्योंकि वहाँ पे वेदर और यहाँ पे वेदर में बहुत ज्यादा फर्क है, डिफरेंस है दोनों? Yes, there's a lot. तुम्हें लगता है कि हम हर टाइम एसी में रहे? यहाँ पे ऐसा लगता होगा कि यार वहाँ पे तो रहते हैं हम ऐसे वेदर में, तो यहाँ तुम्हारा घूमने का मन करता बाहर जाके गर्मी में? जैसे नहीं करता? It's too hot. अच्छा. Over there at lunch time, not a lot of people go out. Like at after 4 people start going out because it's like not that hot, and it's not even that hot. It's not even that sunny at after lunch. In the morning it's cold. At night it's also cold, it's like cloudy, and if it becomes very hot, it's after some while it's gonna start raining. It's just, it's in the middle, it's not that bad.
the country itself is famous because of its weather. अच्छा, famous अपने weather के लिए. And animals, and it's a lot of tourist places. तो वहाँ कहते हैं ना कि अफ्रीका में यार जानवर बहुत देखने को मिलते हैं. Yes, yes, a lot. You know, I've gone to there's a gurdwara called Makindu. It takes 4 to 3 hours to go, and you know in the way you find zebras. अफ्रीका में बहुत से जानवर देखने को मिलते हैं अलग अलग टाइप के. तो तुमने कभी देखे हैं, जैसे तुम कभी स्कूल जाओ या कभी घूमने जाते हो, कि तुम्हें कभी दिखे हो एनिमल्स? Like I've gone once. I went Makindu. Like every time, every year we have to go Makindu. It's like a must. It's a very big gurdwara over there. So it takes 4 to 3 hours to go there. On the way, so there's like a forest on the sides. They don't cut. There's like not a lot of buildings over there. Okay, only in the main city there's a lot. So like in the forest there are a lot of animals free. They're like. मैंने ना एक दो वीडियो देखी हैं अफ्रीका की. ना ज्यादातर जो शेर नहीं होते वो रोड पे बैठ जाते हैं सारे के सारे, और पीछे गाड़ियां आके रुक जाती है. तो ऐसे तुमने तुम्हारे साथ हुआ कभी ऐसे? नो नो, दे आर लायंस. लायंस आर टेकन इनटू द नेशनल ज़ू वेयर देयर इज अ फॉरेस्ट, बट इट इज वो ज़ू में नहीं होते. मैंने रोड पे देखे हैं कितने सारे. लेट मी टेल यू इट्स लाइक अ नेशनल ज़ू. लेट मी टेल यू हाउ व्हाट इट इज. इट्स लाइक अ होल फॉरेस्ट. ओके, वी कैन टेक कार्स इन इट एंड देयर लायंस अराउंड एवरीवेयर. सो लाइक there's a very 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 big forest they made just for them. forest safari karne jate hain. haan, safari hai, it's a safari. safari karne jate hain tab unko road pe dikhte hain. haan, yes. so like when we go Makindu we find zebras, giraffes, deers, most and also elephants. ye chalte hue dikh jate hain side pe. acha, grill lagi hoti hai yahan pe side mein? haan, jisse janwar idhar na aaye apne. yes. रोड पे दे डोंट कम क्लोज, दे स्टे नियर, दूर रहते हैं, फार अवे, बट यू कैन सी देम. तुम देख सकते हो आराम से. मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हारे साथ क्यू एन ए करके. तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये कीनिया से आए हैं और मेरी गेस्ट आई है, कोई गेस्ट नहीं है, ये मेरी भतीजी है. ये कीनिया से आई है और मैं इससे पहली बार मैंने इनसे बात करी है ऐसे, जैसे कि हमने आज सिमर से बात करी है क्यू एन ए क्वेश्चन जो हमने किए हैं इसके साथ. तो गाइस, आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके जरूर बताना, जैसे हमने आज जो बात करी है सिमर के साथ, तो आपको कैसे इसके आंसर्स कैसे लगे वहाँ कीने के बारे में जो इसने बताया, आपको कैसा लगा उस चीज के बारे में जानकर. आई होप दे नॉट रॉन्ग. तो गाइस, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में. बाय बाय.